क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फी चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हर कोई सोचता था कि हॉरिस डेम्बी एक अच्छा और ईमानदार आदमी था। वो लगभग 50 साल का अनमैरिड आदमी था और वो एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके हेल्थ को लेकर के हमेशा चिंता में रहती थी। वो स्वस्थ और तंदुरुस्त था, लेकिन गर्मियों में उसे परागज ज्वर का दौरा पड़ जाता था। वो ताले बनाता था और अपने काम में इतना ज्यादा सफल था कि उसके पास 2 नौकर थे। हाँ, हॉरिस डेम्बी अच्छे और सम्मानित थे, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार आदमी नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि वो लगभग 15 साल पहले जेल गए थे और जेल की लाइब्रेरी में सजा काट चुका था। उसे महंगी किताबों का शौक वहीं से हुआ था। हर साल वो पैसे चुरा लेता था जो उसके 1 साल तक चल जाते थे, मतलब उसका गुजारा चल जाता था, और बचे हुए पैसों से वो एक सीक्रेट एजेंट के जरिए किताबें खरीदता था। इस साल जुलाई की गर्मियों के दौरान उसे यकीन था कि वो बिना पकड़े आसानी से चोरी करेगा, जैसे कि वो हर गर्मियों में करता था। उसने 2 हफ्तों से भी ज्यादा टाइम तक घर की जासूसी की। बिजली की तारों, रास्तों और बगीचों जैसी छोटी छोटी बारीकियों का उसने ब्यौरा किया। उस घर में रहने वाला परिवार लंदन में था। आज दोपहर को दोनों नौकर इस दौरान ग्रेंज में ही रह गए थे। सिनेमा देखने के लिए गए थे वो लोग। हॉरिस ने उन्हें जाते हुए देखा और परागज ज्वर के कारण उसकी नाक में होने वाली जो गुदगुदी थी ना, वो फिर से उसको परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी वो इसके बजाय खुश था। वो बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया और अपने औजारों को सावधानी से अपनी पीठ पर टंगे बैग में उसने रख लिया। ग्रेंज तिजोरी जो थी उसमें लगभग 15,000 पाउंड के गहने थे। उसने सोचा कि अगर उन्हें एक एक करके बेचेगा तो उसे कम से कम 5,000 मिलने की तो उम्मीद थी, जिससे कि वो आने वाले साल का खर्चा आराम से चला सकता था, मतलब 5,000 पाउंड। तो शरद ऋतु में 3 बहुत दिलचस्प किताबें बिक्री के लिए आ रही थी, मतलब होता है ना, पब्लिश होने वाली होती है। अब उसे वो पैसे मिल जाएंगे और उन किताबों को वो आसानी से खरीद सकेगा, ऐसा उसने सोचा। उसने नौकरानी को रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर हुक पर लटकाते हुए देखा था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला। वो हमेशा सावधान रहता था कि कोई भी उंगलियों के निशान ना छूटे। रसोई में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। वो थोड़ा हिला, उसने थोड़ा सा शोर मचाया और फिर दोस्ताना अंदाज में अपनी पूंछ हिला दी। हॉरिस ने कहा कि ठीक है शेरी, जो कि कुत्ते का नाम था। वो जानता था कि कुत्तों को शांत रखने की तरकीब ये है कि उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए और उन पर थोड़ा सा प्यार जताया जाए। ग्रैंड की तिजोरी ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी। पेंटिंग को देखकर उसने सोचा कि उसे किताबों के बजाय पेंटिंग से इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि छोटे घर में किताबें इकट्ठा करना बेहतर ज्यादा होगा, क्योंकि तस्वीरों के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने मेज पर फूलों का एक कटोरा देखा। परागत ज्वर और फूलों की गंध से उसकी नाक में गुदगुदी सी हो रही थी। उसने अपने औजारों को मतलब ठीक से व्यवस्थित किया और देखा कि घर के नौकरों के लौटने तक उसके पास लगभग 4 घंटे थे। उसके लिए तिजोरी को खोलना ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, क्योंकि वह जीवन भर तिजोरियों और तालों के साथ ही तो रहा था। बर्गलर अलार्म खराब तरीके से बनाया गया था। वह उसका तार काटने के लिए हॉल में गया। जब वापस आया तो फिर से फूलों की जो गंध उसकी नाक में गई ना, तो उसकी छींक आ गई। फिर से उसके पास आई और जोर से वो फिर छींकने लगा। वो मनी मन ये सोच रहा था कि जब अमीर लोगों के पास कोई एक वैल्यूएबल चीजें होती है ना, बहुत मतलब बहुत मूल्य वाली चीजें, तो वो कितने मूर्ख होते हैं। क्योंकि उसे याद आया कि तिजोरी की जो जानकारी थी, उसके साथ साथ घर की भी जो पूरी नक्शा था, पूरी योजना थी, वो एक आर्टिकल में दी गई थी। उसने देखा कि फूलों की जो गंध है, जो स्मेल है, उसे लगातार जोर जोर से छींकने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर रुमाल रखा और अपने काम में लग गया। तभी दरवाजे पर से किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें सर्दी है या बुखार। हॉरिस ने तभी जवाब दिया कि फीवर, और फिर से उसे छींक आ गई। जो दूसरा व्यक्ति था, जो मतलब जो दरवाजे पर से आवाज आई थी, उसने फिर से उससे कहा कि वो उसका इलाज कर सकता है, बस
शर्त है कि उसे पता हो कि किस फूल से उसको एलर्जी है, और अगर वो एक अच्छा चोर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी दूसरे शख्स ने कहा कि उसकी चीख की आवाज घर की सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है ना, उस तक भी सुनाई दे रही है। आवाज शांत दयालु थी जो दृढ़ लग रही थी वो। तब उसने दरवाजे पर एक महिला को खड़ा हुआ देखा। एक महिला जवान सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो चिमनी के पास गई और वहां पर रखे हुए जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, जो भी आभूषण थे ना, उसको वो सीधा करने लग गई। फिर उसने कुत्ते को दूर रहने के लिए कहा और कहने लगी कि लोग सोच रहे होंगे कि वो एक महीने के लिए घर से बाहर गई हुई है, लेकिन वो टाइम पर वापस आ गई थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई चोर उसके घर में उसका स्वागत करेगा। हॉरिस को थोड़ी आशा हुई कि क्योंकि वो महिला जो थी ना, महिला जो उसको देखकर घबराने के बजाय खुश थी। उसने सोचा कि अगर उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, मतलब अच्छे से बिहेव किया उस लेडी के साथ, तो वो कुछ भी गलत, मतलब जो हॉरेस था ना, वो ये सोच रहा था कि अगर मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, ठीक से बिहेव करूंगा ना, तो शहरी लेडी मुझे यहाँ से जाने देगी। उसने उस महिला को बताया कि उसके घर पर किसी के होने की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा था कि घर पर कोई है ही नहीं। तब उसने कहा कि उसे एहसास हुआ कि उससे उसे कितनी असुविधा हो रही थी, और उसने उससे पूछा कि अब वो क्या करेगा, मतलब वो जो लेडी थी ना, वो उससे पूछ रही थी कि वो क्या करेगा। तो हॉरिस ने तभी जवाब दिया कि पहले तो वो यहाँ से भागना चाहता है। तो उस महिला ने कहा कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो पुलिस को फोन कर उसके बारे में सब बता देगी और वो जल्दी ही तुम्हें पकड़ भी लेंगे। तब हॉरिस ने उससे कहा कि वो सबसे पहले तो टेलीफोन की तार काट देगा और फिर वो उसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि कुछ घंटों तक वो कुछ भी करने की हालत में ना रहे। महिला ने बड़ी सीरियस होकर के उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या वो उसे चोट पहुंचाएगा। तब हॉरिस ने कहा कि वो तो बस डराने के लिए ऐसा कह रहा था। महिला इस बात से लेकिन डरी नहीं थी। तब हॉरिस ने उससे कहा कि बेहतर होगा कि वो सब कुछ भूल जाए, उसने जो कुछ भी देखा, और उसको वहां से जाने दे। अचानक से वो तीखी और ऊंची आवाज में बोली कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम यहाँ चोरी करने आए थे, और अगर आज तुम्हें छोड़ दिया गया तो कल तुम किसी और को लूटोगे, इसलिए समाज को तुम जैसे पुरुषों से बचाया जाना चाहिए। हॉरेस मुस्कुराया और कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे समाज को कोई खतरा हो, मैं सिर्फ उन लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। मैं एक अच्छे वजह के लिए चोरी करता हूँ और मुझे जेल के विचार से भी, ख्याल से भी नफरत है। महिला उसके इस जवाब पर हंसी क्योंकि वो उसे पुलिस को ना बुलाने के लिए विनती कर रहा था। हॉरेस सिर्फ इसलिए भीख मांग रहा था क्योंकि उसे लगा कि महिला को उसने जाने देने के लिए मना लिया है। वो महिला से सख्त लहजे में कह रहा था कि वो पुलिस के पास ना जाए और वे लोगों को लूटने, मतलब लोगों को लूटना डेफिनेटली बंद कर देगा। तब उस महिला ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसे पूछा कि क्या वो सचमुच जेल जाने से डरता है। तभी हॉरेस ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा कि उसे हमेशा गलत तरह के लोग ही पसंद हैं। उस महिला ने चांदी की सिगरेट की डिब्बी उठाई और उसमें से सिगरेट निकाल ली। हॉरेस ने सोचा कि अगर वो उसे खुश करेगा तो वो उसकी मदद करेगी, इसलिए उसने तुरंत अपने दस्ताने उतार दिए और उसको अपना ही सिगरेट और लाइटर दे दिया। फिर हॉरेस ने उससे पूछा कि क्या वो उसे जाने देगी, तो उस महिला ने जवाब दिया कि हाँ, वो उसे जाने देगी, लेकिन बदले में उसे उसके लिए कुछ करना होगा। हॉरेस ने तुरंत जवाब दिया कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। महिला ने कहा कि लंदन जाने से पहले अपने पति से मैंने वादा किया था कि सारे आभूषण जितने भी ऑर्नामेंट्स है ना, वो बैंक में रख देगी, लेकिन मैंने इसे ग्रहण की तिजोरी में रख दिया। उसे अभी एक पार्टी में जाना था तो इसलिए उसको वो लॉकर का कोड वो भूल गई थी। हॉरेस ने कहा कि वो ऐसा कर देगा, लेकिन उसे लॉकर तोड़ना पड़ेगा, जिस पर महिला ने कहा कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पति जो है वो 1 महीने के बाद आएगा, तो तब तक वो उसको रिपेयर करा देगी। हॉरेस ने 1 घंटे के अंदर ही तिजोरी तोड़ दी, उसे गहने दिए और ये सोचकर खुशी से चला गया कि वो अब बिल्कुल सेफ है। 2 दिनों तक उसने महिला से किया हुआ अपना वादा भी निभाया कि वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन तीसरे दिन उसने उन किताबों के बारे में सोचा जो वो खरीदना चाहता था और सोचने लगा कि उसे चोरी करने के लिए दूसरे लॉकर की तलाश करनी होगी। लेकिन उसे दूसरी योजना
लेकिन दूसरी तिजोरी को खोलने के लिए, दूसरी चोरी करने के लिए उसे प्लानिंग करने का ना मौका नहीं मिला, क्योंकि दोपहर तक ही एक जो पुलिसकर्मी था ना, उसने उसे शॉर्ट ओवर रेंज में रहने की डकैती, गहने की डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। एक पुलिस अधिकारी जो था वो उसके घर आया और उसे अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसने बिना दस्तानों के तिजोरी खोली थी और घर में वो हर जगह उसकी उंगलियों के भी निशान थे। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया कि जब उसने कहा कि घर के मालिक की ही पत्नी ने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था। मालिक की पत्नी असल में एक बूढ़ी औरत थी जो 60 साल की थी और तेज जुबान वाली थी। उसने कहा कि ये कहानी बकवास है, क्योंकि वो हॉरिस से कभी नहीं मिली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लेडी ने, जिस औरत ने हॉरिस से तिजोरी खोलने के लिए कहा था, उसने मालिक की पत्नी होने का नाटक किया था और वो एक चोर ही थी। अब हॉरिस जेल में सहायक लाइब्रेरियन बन गया, मतलब हेल्पर बन गया था लाइब्रेरी में, और उसने उस महिला के बारे में सोचा जो उसी के पेशे में ही थी, मतलब वो भी चोर थी, और उसे धोखा देकर उसको पकड़वा दिया। जब कोई चोरों के बीच सम्मान की बात करता था तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। तो बच्चों, ये जो कहानी थी एक चोर के बारे में थी जिसको खुद अपने ही कर्मों का स्वाद मिल जाता है, एक दूसरे चोर उसको धोखा दे करके उसको पकड़वा देता है।